दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दलेर आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल आपको याद ही होगी। 2013 में इस बहादुर महिला अधिकारी ने रेत माफिया पर हाथ डालकर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार की नाराजगी मोल ले ली थी। दुर्गा शक्ति नागपाल एक बार फिर से चर्चा में हैं। फिल्म निर्माता सुनीर खेतरपाल और रूबी गेरावाल ने मिलकर दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, आज हम दुर्गा शक्ति नागपाल के बोल्ड कारनामों और उस पर बनने वाली फिल्म की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस ईमानदार और जाबाज महिला अधिकारी के लिए दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो शुरुआत में दुर्गा शक्ति नागपाल के परिवार और कैरियर की बात करते हैं। दुर्गा शक्ति का जन्म 25 जून 1985 में आगरा में हुआ था। उसके पिता रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, जिनको दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल के दादा दिल्ली पुलिस में अधिकारी थे और 1954 में सदर बाजार में ड्यूटी के दौरान उनका कत्ल हो गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक सिंह भी आईएएस अधिकारी हैं। अभिषेक और दुर्गा शक्ति की मुलाकात आईएएस की परीक्षा की तैयारी के समय हुई थी। दुर्गा शक्ति नागपाल ने 2007 में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। 2009 में दुर्गा शक्ति ने यूपीएससी की परीक्षा में 20वां रैंक हासिल करके आईएएस अधिकारी के रूप में कैरियर की शुरुआत की। शुरू में दुर्गा शक्ति को पंजाब कैडर दिया गया था। 2011 में दुर्गा शक्ति ने मोहाली जिले में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में काम करते हुए बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया था। बाद में उनको यूपी कैडर में भेज दिया गया था। 2013 में दुर्गा शक्ति नागपाल ने गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम के रूप में यमुना और हिंडोन नदी से अवैध खनन करने वाले माफिया पर हाथ डालकर तहलका मचा दिया था। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध खनन में लगे 24 ट्रक 300 ट्रालियां जब्त की थी। 15 जनों को गिरफ्तार करके उनसे 200 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया था। दुर्गा शक्ति नागपाल के इस काम की मीडिया में खूब सराहना हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की उस समय की अखिलेश यादव सरकार को दुर्गा शक्ति का यह कारनामा पसंद नहीं आया। रेत माफिया को संतुष्ट करने के लिए एक मस्जिद की दीवार गिराने का आरोप लगाकर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर दुर्गा शक्ति को मिले समर्थन के बाद अखिलेश सरकार को अपने आदेश वापस लेने पड़े। 2015 से दुर्गा शक्ति नागपाल केंद्रीय कृषि मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में काम कर रही है। आइए अब जरा दुर्गा शक्ति नागपाल पर बनने वाली फिल्म की बात करते हैं। बदला और केसरी जैसी फिल्में बनाकर नाम कमा चुके सुनीर खेतरपाल ने दुर्गा शक्ति नागपाल के जीवन और कार्यों पर फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया है। सुनीर खेतरपाल यह फिल्म रूबी गेरावाल के साथ मिलकर रेडाइस प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे। सुनीर खेतरपाल ने कहा कि प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। बहादुरी और हौसले की प्रतीक दुर्गा शक्ति नागपाल की कहानी ऐसी ही है। रूबी गेरावाल ने एक साहसी महिला के जीवन की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने के मौके को गर्व की बात बताया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।